केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देश व प्रदेश भर में इस वक्त तीन कृषि कानूनों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़कों पर किसानों और विपक्षी दलों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं आंदोलन का खास असर हरियाणा और पंजाब में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 100 दिन से ऊपर होने के बाद अब किसान भी आक्रोशित होने लगे और चुनाव की नजदीकियों की तरह अपना आक्रोश नेताओं को दिखाने के लिए कड़े फैसले लेने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जेजेपी व बीजेपी नेताओं के आगमन को लेकर पंचायतें होने लगी हैं। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक कृषि विरोधी कानून वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पानीपत के गांव इसराना में सरपंच एवं जेजेपी नेता सुरेंद्र जागलान के आवास पर आगामी 13 मार्च को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आना था, जिसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन को मिली, जिस पर किसानों ने आज इसराना के किसान भवन में एक पंचायत आयोजित कर दुष्यंत चौटाला के आगमन पर रोष जताने का फैसला लिया है, जिसके चलते अगर दुष्यंत चौटाला उनके आवास पर आए तो काले झंडे गांव में दिखाए जाएंगे। वही पंचायत के फैसले को सुरेंद्र जागलान ने अपना समर्थन दिया कि राजनीतिक जुड़ाव अलग है, लेकिन वह गांव के भाईचारे को भी खराब नहीं करेंगे और उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को स्थगित करेंगे। इधर इस फैसले का भारतीय किसान यूनियन ने भी स्वागत किया है। वही पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चढ़ूनी ग्रुप सत्यवान नरवाल ने कहा कि पंचायत में आज जिले भर में जेजेपी व बीजेपी नेताओं के विरोध का फैसला लिया गया है। वही कल वीरवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है, जिसमें जो भी फैसला लिया जाएगा सभी किसान उसका पालन करेंगे और जब तक तीन कृषि कानून वापस नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत बुलाई गई थी, किस बारे में? देखिए, ये पंचायत यहाँ इसराना में 13 तारीख को दुष्यंत चौटाला प्रोग्राम कर रहा था और लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि ये पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे बीजेपी की हो, चाहे जेजेपी की हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे छोटा बड़ा कोई भी इन आदमी को इनका जब बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि ये लोग हमारी वोट लेके हमारी आज बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों में आक्रोश है, इनका बहिष्कार कर रखा है। और यहाँ के सरपंच ने भी आज कह दिया है पंचायत के बीच में कि हम इसका प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। हम सरपंच का इस बात को लेकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भाईचारा हमारा बना रहेगा और इन लोगों का हम विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक ये लोग हमारी बात नहीं करेंगे। जो तीन काले कानून हैं इसको ये ठीक बताते हैं, सरकार का पक्ष में बोलते हैं, इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये ऐसे ही इनका विरोध होता रहेगा, किसी भी गांव में इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। जो दुष्यंत चौटाला उनके पिताजी ये कहते थे उनका जो अस्तित्व उनकी जेब में है, हाँ वो बात को कैसे? देखिए, वो जेल में जा चुके हैं और वो अस्तित्व भी वो जेल में ही है। वो कहते थे कि मेरी जेब में 24 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। आज वो प्रकाश सरकार के पक्ष में खड़े हैं, वो कहते हैं कि काले कानून है ही नहीं, मैंने कब बोला है काले कानून, और ऐसे तो देश में कोई कानून ही नहीं बनेगा। आज वो पूर्ण रूप से हमारे किसान और मजदूर सब देश की जनता के विरुद्ध बोल रहे हैं, उसको सबक सिखा के रहेगी जनता आने वाले समय में। विधानसभा के अविश्वास पत्र को कैसे? देखिए, विधानसभा में क्लियर हो जाएगी कौन MLA हमारे पक्ष में खड़े हैं, कौन हमारे विरुद्ध हैं। जो हमारे विरुद्ध हैं उनको कहीं भी किसी प्रोग्राम में किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, और जो हमारे पक्ष में वोट करेंगे उनको हम सिर माथे बैठा के रखेंगे और आगे भी भविष्य में उन लोगों की हम पूरी मदद करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कुछ और रणनीति बनाई गई आज? देखिए, यहाँ तो एक पानीपत जिले की मीटिंग थी खाली इसका विरोध करने के लिए, जो कल होगी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग जो होगी फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। पूरा देश का किसान और मजदूर आज संयुक्त मोर्चा पर इतना विश्वास जम चुका है जनता का, जो भी वो आह्वान करेंगे वही हम फॉलो करेंगे। परिचय दे दो सर। मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन उपाध्यक्ष चढ़ूनी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक